पिछली कक्षा में हमने सीखा किन कारणों से चतुर्थी विभक्ति आती है। अब हम पंचमी विभक्ति किन कारणों से आती है, अर्थात किन कारणों से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो सीखेंगे। पहली है भी धातु। भी माने होता है डरना, भी माने डरना, रूप बनेगा विभेति। दूसरी है त्रा। त्रा माने रक्षा करना। रूप बनेगा त्रायते। त्रस माने डरना। रूप बनेगा त्रस्यते। प्र प्लस भू का अर्थ होता है उत्पन्न होना। रूप बनेगा प्रभावति। प्रमदः माने आलस्य करना। निर प्लस गम निकलना, अर्थ होता है निकलना। रूप बनता है निर्गच्छति। बही का अर्थ होता है बाहर। बही एक अव्यय है और दो की तुलना में एक की श्रेष्ठता, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें दो व्यक्ति हैं उन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, दोनों की तुलना की जाए और तुलना में एक की श्रेष्ठता जब हमें सिद्ध करनी होती है उस समय पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले हम लेते हैं भी धातु। वाक्य है चौरह चोर चोर सैनिक से डरता है। वाक्य बन जाएगा चौराहा सैनिकात। पंचमी में सैनिक शब्द का रूप चल बनेगा सैनिकात विभीति। दूसरा है त्रायते। रक्षक सांप से रक्षा करता है। रक्षक वाक्य बन जाएगा रक्षक सर्पात। सर्प शब्द का पंचमी में बनेगा सर्पात। त्रायते। त्रस का अर्थ होता है डरना। योद्धा दुश्मन से नहीं डरता है। वाक्य बन जाएगा योद्धा शत्रु। शत्रु शब्द का पंचमी में रूप बनता है शत्रु। नहीं का अर्थ नहीं की संस्कृत होती है न,
त्रस्यते, त्रस धातु का प्रयोग कर रहे हैं हम, त्रस्यते। यहां विभेति का प्रयोग भी कर सकते हैं, योद्धा शत्रो न विभेति। अध्ययन से आलस्य नहीं करना चाहिए। वाक्य बन जाएगा, अध्ययन शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा अध्ययनात्, मा प्रमादः, अध्ययनात् मा प्रमादः। अगला शब्द है निर्गच्छति, निर प्लस गम धातु, गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य हो जाएगा, गंगा हिमालय शब्द का पंचमी विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा बालक शब्द का, जैसे बालकात बनता है वैसे ही हिमालय का हिमालयात। निकलती है निर्गच्छति, दो की तुलना में एक की श्रेष्ठता। भीम अर्जुन से मोटा था, भीम का हो जाएगा भीमः, अर्जुन शब्द में जब हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे बालक शब्द का रूप बनता है बालकात, वैसे ही अर्जुन शब्द का बन जाएगा अर्जुनात्। मोटा की संस्कृत होती है स्थूल, यहां क्योंकि दो की तुलना की जा रही है इसलिए हम इसमें तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तरप प्रत्यय दो की तुलना में एक को श्रेष्ठ बताने के लिए ही प्रयुक्त होता है। रूप बन जाएगा स्थूल में जब हम तरप प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाएगा ये स्थूल तरह। था की संस्कृत होती है भूतकाल में आसीत। इस प्रकार आज हमने सीखा कि पंचमी विभक्ति में किन कारणों से परिवर्तन होता है, जैसे भी त्रा त्रस प्र प्लस भू प्रमदः निर प्लस गम वही दो की तुलना में एक ही श्रेष्ठ था। हमने वाक्य बनाए चौरह सैनिकात विभेति, अर्थात चोर सैनिक से डरता है। रक्षकः सर्पात त्रायते, रक्षक सांप से रक्षा करता है। योद्धा शत्रोः न त्रस्यते, योद्धा दुश्मन से नहीं डरता है, दुश्मन से नहीं डरता है। अगला वाक्य है अध्ययनात् मा प्रमदः, अध्ययन से आलस्य मत करो। नेक्स्ट निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है,
गंगा हिमालयात निर्गच्छति। दो की तुलना में एक की श्रेष्ठता। भीम अर्जुन से मोटा था। भीमः अर्जुनात् स्थूलतरः आसीत्। अगली कक्षा में हम षष्ठी विभक्ति में किन किन कारणों से परिवर्तन होते हैं यह सीखेंगे। धन्यवाद।